आप बताओ कि व्हाट इज इट दैट यू वांट मी टू शेयर आज यहाँ पर. हाँ, एक एक करके हाथ ऊपर करिएगा, आप बोलिएगा और जिसपे सब एग्री करेंगे मैं वही वहीं से शुरू करूंगा. सर, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, योर स्ट्रगल इन बिजनेस लाइफ? कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, मेरी जो पूरी स्ट्रगल है, क्या क्या किया. ठीक है, दैट इज वन. कितने लोग चाहते हैं यही हो, हाथ ऊपर करके बताइए. ठीक है, काफ़ी लोग चाहते हैं कि मेरी जो भी कहानी है, कि जो स्ट्रगल्स हैं मेरी, राइट, जो भी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं बिजनेस से रिलेटेड. कितने चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड हो, कितने चाहते हैं ओवरऑल हो? ओवरऑल हो. मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी कहानी है उसको एज इट इज़ आप लोगों के सामने रखूँ. दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट, राइट, जो मैंने आज से पहले कभी भी शेयर नहीं किया है. तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं स्कूल टाइमिंग से. ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज आई वॉज एक्सट्रीमली नॉटी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ये वो, मतलब इतनी शैतानियाँ जिसकी कोई हद नहीं है. लेकिन स्कूल में, क्योंकि क्या होता है स्कूल में, जैसी इमेज बन जाती है वैसी बन जाती है. तो जिस स्कूल में मैं था 10th तक, वहाँ पे मेरी इमेज ऐसी बन गई थी कि ये बंदा बहुत ही रिजर्व्ड है और बहुत ही थका हुआ है. मतलब आज जो आप देखते हो उससे बिल्कुल ही अपोजिट. कोई फ्रेंड्स नहीं, ना कोई लड़का ना लड़की, एक आध कोई फ्रेंड होता था, वो भी किसी दिन अगर, जैसे होता नहीं, छुट्टी मार लेता है, या अगर वो मेरे से बात करना बंद कर देता था, किसी और से बात करना शुरू कर देता था, तो आई यूज़ टू फील इनसिक्योर. अब मेरा क्या होगा, एक ही दोस्त है ले दे करके, अगर वो भी होता नहीं, ग्रुप बनने लग जाते हैं, जैसे हमारे बीच में कोई तीसरा आता था. हम दो लड़के ही थे वैसे, और कुछ भी और कुछ भी गलत नहीं था वहाँ पर. हाँ, लेकिन दोस्ती थी. जैसा होता है ना कि एक इनसिक्योरिटी होती है, कि मैं उस पर डिपेंड था पूरी तरीके से, कि अगर लंच ब्रेक में जाना है तो उसके साथ में जाना है, उसके साथ में हंसी मजाक. हमारी एक ट्यूनिंग थी कि मेरे जोक वो समझता था, उसके जोक मैं समझता था, ऐसे करके. मतलब हमारे कुछ कोड वर्ड्स होते थे जो हम एक दूसरे के समझते थे. जैसे बताऊँ या नहीं ये बातें? छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगा. हाँ तो अरे नहीं यार, छिछोरा शो कर. जैसे हमारा एक कोड वर्ड था, वो देखेगा दोस्तों हंसेगा. जैसे कोई, मतलब जैसे कोई लड़की हमको अच्छी लगती थी, बात तो होती नहीं थी ना उसकी ना मेरी, मतलब हम दोनों ही थके हुए से थे, बिल्कुल ही अलग अलग रहते थे साथ साथ में. तो ऐसी कोई निकलती थी तो चुपचाप मुंह नीचे कर लेते थे और एक दूसरे को बोलते थे ओए नाग ओए. कोड था. नाग बोलते थे, क्यों क्या पता नहीं. एनी हाउ, अगर कभी जैसे उसने बिना बताए छुट्टी कर ली, तो मैं इतना इनसिक्योर हो जाता था कि अकेले जा करके छुप के, हमारे स्कूल में पीछे एक जगह होती थी, वहाँ पर जा करके बैठ के अकेले में लंच करता था. क्योंकि अगर सबके पास में आता था तो लोग बोलते थे यार क्यों चेप हो रहा है. जैसे सबके अपने अपने ग्रुप बने होते हैं ना, तो ऐसा लगता था मेरे को खुद को ही कि मैं ज़बरदस्ती क्यों चेप हो रहा हूँ उनके पास पे जा करके. या फिर वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते थे, थोड़ा उल्टा बोलना शुरू कर देते थे. तो ऐसी मेरी पर्सनैलिटी थी 10th तक. मतलब आप आइडिया लगा सकते हो, राइट, कि हाइट ऑफ लोनलीनेस. और मैं अब सेशंस करता हूँ हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस. इट्स सो आयरोनिकल, राइट. इतना ज़्यादा अकेला था, लेकिन लड़ाई झगड़े में नंबर 1 था. मतलब 10th तक खूब लड़ाई झगड़े हुए हैं, अकेला लड़ता था, सामने 5-10 लोग होते थे, वो मिल करके मुझे मारते थे. तो खूब पिटा हूँ, पिटा भी है, पिटा ज़्यादा हूँ. तो 11th में जो टर्निंग पॉइंट की आपने बात करी, कि भाई टर्निंग पॉइंट क्या था, तो 11th स्टैंडर्ड वॉज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ. क्योंकि 10th में मुझे समझ आ गया था कि स्कूल में अगर मैं रहा तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है. तो मैंने डिसीजन लिया स्कूल चेंज करने का. एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा है यहाँ पर, जो मुझे बाद में पता लगा था, उस टाइम नहीं पता लगा था, जब मैं एडमिशन के लिए गया था रिसेप्शन पे उस स्कूल में. तो अभी जो मेरी वाइफ है उसने मुझे देखा था और उसने मनी मन सोचा था कि अगर ये आ गया हमारे स्कूल में तो मज़ा आ जाएगा. लेकिन ये बात मुझे पता नहीं थी. अगर पता होती तो मुझे इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती 1.5 साल तक. तो ये मुझे बहुत बाद में पता लगी. तो वो हमारा पहला कॉन्टैक्ट था, मतलब जब उसने मुझे देखा था, मैंने उसे नहीं देखा था. फिर जब मैं स्कूल में गया और मेरा पहला दिन था, तब जब मैंने भी उसे देखा तो मेरे भी अंदर से कुछ ऐसी ही फीलिंग हुई, काश के व्हाटएवर. लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मेरी औकात से बहुत ऊपर है, तो अपनी क्योंकि मेरी जो सेल्फ एस्टीम थी वो बहुत ही लो थी. मतलब मैं खुद को इतना गया गुजरा समझता था, इतना बेवकूफ़ समझता था जिसकी कोई हद नहीं है. कि मेरी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी थी कुछ ना कुछ, सब में पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, वो भी मुझे नेगेटिव लगती थी. कि मेरे बाल अभी तो थोड़े ब्लैक से दिख रहे हैं आपको, उस टाइम पे काफ़ी ब्राउन होते थे और बड़े से ऐसे फ्लिक निकलता था ये करके, ये ऐसे ऐसे वो बड़े बड़े बाल चलते थे, व्हाटएवर. तो वो भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता था. मैं जेन्युइनली अंदर से सोचता था, जैसे स्कूल की लाइन होती थी ना वहाँ पहले वाले स्कूल में,
टेंथ तक कि भाई मेरे बाल ब्राउन क्यों हैं, शायद इसीलिए मेरे से कोई बात नहीं करता है कि सबके ब्लैक है मेरे ब्राउन है, मैं इतना फेयर क्यों हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फेयर था, अभी भी हूँ लेकिन आप लगा सकते हो आइडिया कि पहले तो और भी ज़्यादा था तो कितना ज़्यादा होगा। तो मैं सोचता था मैं इतना फेयर क्यों हूँ, काला क्यों नहीं हूँ, तो मैं बड़ी कोशिश करता था काला होने की लेकिन हो नहीं पाता था, पता नहीं क्या डिफेक्ट था स्किन के अंदर या व्हाटएवर। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी थी वो भी मुझे नेगेटिव लगती थी, इतनी सेल्फ एस्टीम मेरी लो थी। तो मेरे माइंड में यही आया, मैंने कहा यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं। बट समहाउ ऑर दी अदर वी बिकेम फ्रेंड्स। 11th में 5-6 महीने तक हम फ्रेंड्स रहे थे। उसको भी मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट था कि मैंने उसको बोला कि हाँ भाई चल बंक मारे गर्ल स्कूल से, तो उसने कह दिया हाँ ठीक है बंक मारते हैं। तो पहली बार क्या हुआ था कि बंक मारने के लिए मुझे लगा वो नहीं आएगी, बट वो आ गई बंक मार के स्कूल से, मैं स्कूल पहुँच गया। उस गली का नाम आज भी हमने रखा हुआ है 7 से 7:30 वाली गली। सुबह 7 से 7:30 बजे तक वो वहाँ पर अकेली बेचारी भटकती रही, फिर वो अपने घर चली गई। तो मतलब इतना अजीब सा एक सिचुएशन हुआ था क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं था, वी वर जस्ट फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो आ जाएगी। लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा भैया ये तो मज़े आ गए और क्या चले। हाँ फिर हमने इकट्ठे स्कूल से बंक मारने शुरू करे थे। अब ये मैं बता तो रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ये अब वैसे स्कूल से तो आप लोग निकल चुके हो। हाँ तो जो स्कूल में है उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा ऐसा कुछ मत करिए प्लीज़। हाँ तो मेरा 11th तो ऐसे ही निकला। 12th स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि मेरे अंदर से एक पढ़ने का मेरे अंदर एक कीड़ा आ गया। मैंने बताया भी था अपने एक सेशन में, पावर ऑफ फोकस वाले सेशन में क्या हुआ था, अपने फ्रेंड के साथ में सिगरेट विगरेट बहुत पीता था तो सुट्टा मार रहा था और ये वो बातें हुई और ऐसे करके, तो अंदर से आ गया कि नहीं यार मेरे को पढ़ना है। तो उस टाइम पर फिर 12th में मैंने पूरा अपना फोकस डाल दिया पढ़ाई के ऊपर, और उसकी वजह से मेरा और इसका रिलेशन थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लग गया। क्योंकि ये कहती कि अच्छा पढ़ाई ठीक है पढ़ लो, लेकिन ये थोड़ी कि मुझे बिल्कुल ही तुमने छोड़ दिया। तो मेरा ये था कि नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। वहाँ पर भी कुछ बड़ा मज़ेदार हुआ कि ये इतना नहीं पढ़ती थी, ये अपना चिल्ड आउट रहती थी अपना लाइफ में, ठीक है मेरे को भी कहती थी कि नहीं तुम आराम से लो ना, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। और मैंने बहुत सीरियस होकर के डेली पता नहीं कितने कितने घंटे पढ़ाई करी, और 12th में मेरे आए 85%, और हमारे स्कूल में टॉप किया इसने। और तब भी मेरी बड़ी ईगो हर्ट हो गई थी, मैं बड़ा अजीब सा कैरेक्टर था उस टाइम पे। मैंने कहा ये क्या हुआ है, तूने बताया भी नहीं कि तू इतना पढ़ रही है। और वो पढ़ाई में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी भी नहीं, मतलब 11th में क्या हुआ था उसकी 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ गई थी। ऑल्दो पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन हमारा जो अफेयर था वो फैल गया था पूरे स्कूल में, प्रिंसिपल तक और यहाँ वहाँ। तो उन्होंने दिमाग लगाया, उनकी ये स्ट्रैटेजी थी हमारे स्कूल वालों की उधर की कि जब भी ऐसा कुछ हो तो एक को बाहर कर दो स्कूल से, समझ गए। तो मेरे को बाहर करने की उनमें हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा कांड किया था 11th स्टैंडर्ड में, तो वो पूरे स्कूल में सबको पता था। डू यू वॉन्ट टू नो कि क्या कांड किया था? दैट वॉज ऑल्सो टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, तो बता देता हूँ। उसमें क्या हुआ था कि मैं जिस स्कूल से आया था वहाँ पर इतने बड़े बच्चों को मारते नहीं थे, मतलब कि 10th 11th में नहीं मारते थे। हाँ बचपन में तो बहुत मार खाई है, 4th 5th 6th में तो बहुत पिटाई होती थी, लेकिन 10th 11th 12th में मैंने वहाँ पर नहीं देखा था उस स्कूल में किसी को मारते हुए। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल था कि आप 11th में हो 12th में हो पिटाई होगी तो होगी, रोज़ होनी ही होनी है पिटाई, मतलब ऐसा स्कूल था ये। इतनी ज़्यादा यहाँ पे दहशत फैलाई हुई थी कुछ लोगों ने, उसमें से एक पीटी सर थे जो ये टिपिकल जो होते हैं। तो अब क्या हुआ कि मेरे को आदत थी नहीं मार खाने की, क्योंकि बाहर भी मैंने बताया कि मेरे लड़ाई झगड़े बड़ी जल्दी हो जाते थे, ज़रा सा भी कुछ होता था तो मार पिटाई ये वो शुरू हो जाता था 1 मिनट के अंदर अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको पता नहीं था इनको सर को, तो इनके अभी अंदर कहीं ना कहीं आया होगा कि यार लड़का नया आया है चलो इसको ठीक करते हैं अपने सांचे में ढालते हैं। इनको पता नहीं था कि मैं ढलने वाले में से नहीं हूँ। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने लाइन में सबको खड़ा किया, उनके हाथ में एक डंडा रहता था अच्छा लकड़ी का मोटा सा डंडा, तो वो एक एक करके सबको मारते हुए आ रहे, जैसे हाथ आगे करो ताड़, हाथ आगे करो ताड़। मेरे पास तक पहुँचे, आई वॉज द 4th नंबर। मैं कहा सर मारना मत प्लीज़, बात कर लो जो करनी है मारना मत। मार वार खाने की मेरी आदत नहीं है, मतलब बचपन में बहुत पिटाई हुई है तो मेरे अंदर मैं बहुत भरा हुआ हूँ, अगर आपने मारा तो कुछ भी हो सकता है व्हाटएवर। तो उन्होंने कहा अच्छा तू धमकी दे रहा है मेरे को, तो उन्होंने लिया बाकी सबके तो यहाँ मार रहे थे मेरे डंडा लेकर के पीछे या पैर के पीछे काव्स के ऊपर खींच करके मारा, मतलब वो सूज गया था करीब 10-15 दिन तक के लिए। तो अच्छे तरीके से मैं वहीं पे गिर गया, मतलब इतनी तेज़ पड़ा था कि मैं वहीं गिर गया। फिर मैं खड़ा हुआ, तो फिल्में विल्में देखी थी। खड़ा हुआ मैं कहा सर मारा क्यों आपने, मैंने कहा था ना मत मारना, मारा क्यों? तो उस बंदे को पता नहीं था कि ये बंदा मतलब इस हद तक चला जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा तू धमकी दे रहा है मेरे को, उन्होंने खींच के थप्पड़ मारा मेरे यहाँ अच्छे तरीके से घुमा के। और फिर जैसे होता है ना कुछ देर के लिए तो तारे नजर आ जाते हैं दिल में, हाँ एकदम से कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ है।
लेकिन फिर जैसे थप्पड़ पड़ा मैंने कहा नहीं ये ज़्यादा हो गया है, मतलब जो थप्पड़ पड़ा तो फिर मैंने अपनी टाई ढीली करी, मैंने कहा मार तू तू पे आ गया था, मैंने कहा ये तो ज़्यादा ही हो गया है, मतलब एक मारा दो मारा, मतलब ये क्या क्या बदतमीजी हो रही है, मैंने कहा मार आज कितना मारता है, टाई ढीली करी, शर्ट बाहर निकाली, शर्ट कैसे करके हल्के से बटन फाड़े, मार तो अभी मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ बट आप इमेजिन कर सकते हैं मैंने कैसे बोला होगा स्कूल के ग्राउंड में, और भी जो स्टैंडर्ड के जैसे ट्वेल्थ के और थे लड़के लड़कियाँ वो आ गए, एकदम से सारी भीड़ आ गई, मतलब सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और बहुत तेज़ मैं बोल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा एक लाउड वॉइस में मार तो कितना मारेगा, और फिर मैंने देखा मैं भी यहाँ से कांप रहा था क्योंकि हालत तो पिटाई के बाद में अपने आप ही बॉडी कांपने लग जाती है, ऊपर से गुस्से से बॉडी कांपने लग जाती है, सामने मैंने देखा तो सर भी कांपने लग गए तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, मार ना तो सोच क्या रहा है, देखता हूँ आज कितना मार, निकाल अपनी पूरी भड़ास, ऐसे करके मतलब पूरा तगड़ा सीन क्रिएट हो गया। इतने में जो उसके जो सीनियर सर थे, पीटी सर दो थे, वो आए मेरे पास में, कहते अरे संदीप रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पानी पियो, क्या पानी छोड़ा हो गया, लेकिन जब मैंने उनके साथ ऐसा किया तब मुझे अंदर से लगा बेटा तू तो गया, ये अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं कहा सर देखो ना क्या क्या, थोड़ा सा संभाल लिया था क्योंकि अंदर से तो मेरी हालत टाइट हो गई थी, मैंने कहा बेटा ये बहुत बड़ा रायता फैला दिया तूने, अब तू गया, लेकिन हैविंग सेड दैट कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं यार जो उसने किया बंदे ने मारा तो है ही और मारना अलाउड नहीं है, ये उस टाइम पे वैसे कॉमन था लेकिन फिर भी अंदर से था, तो सामने वाला बंदा भी डर गया। फिर थोड़ी देर में वो सर आए, उन्होंने मेरे को रिलैक्स किया, इधर से दोस्तों ने रिलैक्स किया, ये किया वो किया, फिर थोड़ी देर में वो सर आए जिनको जिनके साथ में ये सब कांड हुआ था, उन्होंने भी आके बोला सॉरी संदीप ये वो वट एवर, ऐसी अपनी उनकी आवाज़ थी बड़ी फनी सी सॉरी आज के बाद ऐसा कुछ सर कोई नहीं सर क्या हो गया सर हो जाता है आई अंडरस्टैंड कोई बात नहीं सर सर संदीप देख लो कुछ है तो नहीं ना तुम्हारे मन में तो नहीं, मैं मेरे मन में क्या होगा सर कोई मेरा तो जो होना था सो हो गया। उसके बाद में जैसे जैसे ऊपर गया पूरे स्कूल में बात फैल गई थी, तो आई बिकेम एन ओवरनाइट व्हाट डू यू कॉल इट एज अ हीरो और अ सुपर हीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल, जहाँ भी जाता था देखो वही हुई और बात क्या हो गई, मैंने मारा नहीं था सर को लेकिन सब कह रहे थे इसने सर को मारा है सर को मारा है, बात फैल गई जबकि मैंने मारा नहीं था, मेरे तो खुद की हालत टाइट थी, मैंने कहा यार ये क्या हो गया एनी हाउ, तो लेकिन बात ऐसे फैल गई कि ये वही लड़का है जिसने सर को मारा इससे थोड़ा बच के रहना वट एवर ऐसे ऐसे करके, तो वैसा एक माहौल बन गया था। तो आई थिंक इस वजह से मुझे 11th में पास कर दिया क्योंकि लोगों को लगा कि ये तो भैया पागल है ये पता नहीं क्या करेगा, कहीं स्कूल के बाहर जा करके सर को मैडम को ना पकड़ ले वट एवर, कहीं ना कहीं डरते तो वो भी है राइट, उनके अंदर भी डर होता है, तो उन्होंने मुझे पास कर दिया लेकिन मेरी उसको फेल कर दिया, मतलब उसकी दो में कंपार्टमेंट आ गई। इसके बाद सीधा ही क्या हुआ कि 12th में टॉप किया किसने, अगेन मेरी वाइफ ने, और उसका नाम 10 साल तक वहाँ पे स्कूल के वहाँ पे लिखा रहा, तो एक तरह से देखा जाए तो स्कूल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि 11th में जिसकी कंपार्टमेंट आई थी वो शी वॉज द टॉपर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो ये थी 12th तक की कहानी। अब 12th में क्या हुआ कि 9th-10th में ही मेरे घर की हालत ख़राब होनी शुरू हो गई थी फाइनेंशियल लेवल पर, और 11th-12th में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो 12th में कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक प्रेशर भी था कि मेरे को जल्दी से जल्दी कुछ करना है एज फार एज मेकिंग मनी इज़ कंसर्न्ड, पैसा भी कमाना है और जल्दी से अपने आप को कुछ करना है, मतलब ये नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं। तो 12th में जो मैंने पहला काम किया वो था कि 12th से निकलते ही मैंने एक हेल्पलाइन खोली थी, अभी आप लोगों को पता नहीं होगा किसी को भी क्योंकि मैंने इस सब के बारे में बात नहीं करी और मैं कोशिश करूँगा वही पॉइंट्स यहाँ पर टच करने की जो किसी को पता नहीं है अभी जो मैंने किया नहीं। तो मैंने पैम्फलेट छपवाए 2,500 रुपये के, उसमें था व्हाट टू डू आफ्टर 10+2 क्वेश्चन मार्क, और वो एक हेल्पलाइन थी कि अगर आपने अभी 12th पास करी है और आप जानना चाहते हैं आगे क्या करियर चूज़ करना है तो आप यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं, मैंने अपने घर का लैंडलाइन नंबर दिया था और आप पूछ सकते हैं सर से कि संदीप सर से कि हमें क्या करना चाहिए, और वो संदीप सर कौन है वो खुद 12th पास है तो मैंने क्या किया था इस तरह की जो और हेल्पलाइंस थी या जो और करियर काउंसलर्स थे वहाँ पर गया, क्योंकि जुगाड़ू तो मैं शुरू से ही रहा हूँ, तो वहाँ पर गया उनसे जा करके सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, वो लिख लिया सारा बना लिया अच्छे से रट लिया, तो कोई भी फ़ोन आता था तो बड़े कॉन्फिडेंस से बात करता था, लेकिन कई बार हो जाता था वो एंड में पूछते थे सर आपने क्या किया आपको इतनी नॉलेज है, मैंने कभी 12th के एग्जाम दिए हैं उसके बाद बड़ी गालियाँ पड़ती थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मतलब अगर कोई पूछेगा तो मेरे को सच बोलना है, घुमा फिरा करके नहीं सीधा बोल देता था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 2,500 रुपये मैंने लगाए थे, इसका बिजनेस मॉडल मेरा ये था, आइडिया ये था कि यहाँ से मैंने एक इंस्टीट्यूट में टाइप कर लिया, एक इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था NIS के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, अब मुझे पता नहीं वो है या नहीं है, मुझे था कि जल्दी कुछ करना है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है शुरू से ही पता नहीं क्यों,
मतलब जैसे लोगों में होता है ना बड़ा पेशेंस होता है कि मैं पहले 3-4 साल तक ये पढ़ूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये, मेरा होता है कि नहीं अभी करना है। 12th से निकला हूँ, मेरे को ये नहीं था कि अब 3 साल करके फिर MBA करना है, मुझे था कि अभी करना है MBA। तो MBA के इक्विवेलेंट ऐसा क्या है जिसको अभी किया जा सकता है? तो उस टाइम पे मुझे NIS नजर आया, विच वॉज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बट उसका करिकुलम बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सारा समझा और वहाँ पे एनरोल कर लिया। तो वहाँ पे जब मैंने एनरोल किया तो वैसे ही उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको 20% मिलेगा। तो वहाँ से हेल्पलाइन वाला आइडिया आया, बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत लोगों से बात करी, उसमें से फाइनली एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया था। तो वहाँ से मुझे 4,500 रुपये मिले थे क्योंकि उसने 6 महीने का ज्वाइन किया था। तो 2,500 लगाए और 4,500 रुपये कमाए, किसने? 18 साल के लड़के ने जिसने अभी 12th के एग्जाम्स दिए थे। तो ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस। अब इसको क्या होता है, हम लाइफ में क्या करते हैं, हमेशा इमीडिएटली देखते हैं चीज़ों को कि इसका मुझे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो आप क्या कहोगे, अच्छा इसमें इसका मतलब 2,500 लगाए और 4,500 रुपये आए, मतलब 2,000 रुपये कमाए। 2,000 नहीं कमाए, यहाँ से मैंने एक एक्सपीरियंस कमाया, उस एक्सपीरियंस की क्या वैल्यू है? दैट इज सो प्रेशियस, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बात करना आ गया ना लोगों से, कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, सोचो मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया होगा उस टाइम पे, कि 12th में हूँ और 12th वालों को ही बता रहा हूँ, मतलब एक अलग ही किक आती है ऐसी हरकतें करते हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, तो ऐसी ये चीज़ हुई थी, ये पहला था एक्सपीरियंस। उसके बाद में मैंने NIS ज्वाइन किया, विच वॉज अगेन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पर क्या खास बात थी, वहाँ पर सब कुछ प्रैक्टिकल था। मेरा शुरू से इंटरेस्ट इस चीज़ में रहा है कि आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन अ डिग्री और अ डिप्लोमा और वट एवर इट इज़। मेरा शुरू से ये था कि कहीं से कुछ प्रैक्टिकल मुझे सीखने को मिले, शुरू से एक सीखने वाला एटीट्यूड रहा है। तो जब मैंने उनका पूरा करिकुलम समझा तो वहाँ पे बहुत सारे रोल प्लेज, ग्रुप डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस, शायद ये सब जो मैं अभी कर रहा हूँ उसमें उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वहाँ पे क्लास के सामने डर डर करके बहुत सारी प्रेजेंटेशंस दी है, रोल प्लेज हुए, ग्रुप डिस्कशंस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी एक कॉन्फिडेंस आया है। तो वो जो मैंने किया 1 साल तक, वो मेरे को अगेन बहुत हेल्प किया। उसको भी मैंने शायद बीच में छोड़ दिया था, हाँ शायद नहीं, पक्का बीच में छोड़ दिया था। मतलब मेरा पता नहीं शुरू से ये रहा है कि मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो उसको पूरा कंप्लीट नहीं करता हूँ। 1 साल का था, बाकी सबने पूरा किया, 1 महीना पहले मैंने उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। जबकि बाकी सबका एटीट्यूड क्या था, क्योंकि वो सब कर रहे थे डिप्लोमा के लिए कि चल यार कंप्लीट करते हैं, कभी फ्यूचर में जॉब करनी पड़ी तो काम आएगा, मेरा ऐसा माइंडसेट था ही नहीं। मैंने कहा मेरे को सीखना था जो सीख लिया, अब आगे आने वाले 1 महीने में कुछ नहीं है, तो 11 महीने में छोड़ दिया। ऐसे ही आई वॉज इन किरोड़ी मल कॉलेज, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अटेंडेंस का पंगा नहीं था। 2 साल किया अच्छे से, मार्क्स भी ठीक ठाक आए थे। पहले साल में इट वॉज अराउंड आई थिंक 65% समथिंग, सेकेंड ईयर में इट वॉज अगेन अराउंड 60-62%। वही जैसे एग्जाम आ रहे होते तो उसके 1 महीने पहले वो सारी उठा ली, वो कुंजी होती है, क्या बोलते हैं, हाँ 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स उठा लिए, वो सब किया और जाके लिख के आ गए, अच्छे खासे मार्क्स आ गए। लेकिन 3rd ईयर में उसको भी छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको भी यही करना चाहिए, बट स्वभाव मेरे अंदर से आता था कि नहीं यार अब इसमें कुछ पढ़ा नहीं है, कि इसमें अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो आई यूज़ टू जस्ट लीव इट। इसके अलावा मैं एक बार जॉब के लिए, मैं बस एक ही बार इंटरव्यू के लिए गया था अपने एक दोस्त के साथ में, वो भी मज़े में वो जा रहा था, तो मैंने कहा चल यार मैं भी चलता हूँ। एक दिल्ली गुड़गांव रोड के ऊपर एक रेडिसन होटल है, वहाँ पर उस टाइम पे कुछ कॉल सेंटर्स के लिए इंटरव्यूज चल रहे थे। उस टाइम पे नया नया ये BPO कॉल सेंटर्स ये नया नया शुरू हुआ था, अराउंड 20-21 ईयर्स बैक। तो मैं गया वहाँ पे, 5-6 राउंड थे और मैं शायद 3rd राउंड तक पहुँचा था, फिर बाहर हो गया, वट एवर। आई एम सो ग्लैड कि नहीं हुआ मेरा, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता। क्योंकि क्या होता है कि एक बार आदमी अगर कम्फर्ट जोन में चला जाए, एक बार अगर मेरे को लत लग जाती एक 18-19 साल के लड़के को, क्योंकि बाकी मैंने अपने दोस्तों के साथ में होते हुए देखा है कि एक बार वहाँ से पैसा आने लग जाता है 10-15 हज़ार रुपये, तो फिर वहाँ से निकलना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि एक रूटीन बन जाता है। तो ये मेरा पहला और आखिरी अटेम्प्ट था जॉब से रिलेटेड, गया और नहीं हुआ। इसके अलावा और कहीं से मुझे जॉब मिले ऐसा कोई रास्ता, मैंने ऐसा कोई दरवाज़ा खुला छोड़ा ही नहीं था, जब डिग्री नहीं डिप्लोमा नहीं तो 12वीं पास को कोई क्या नौकरी देगा। तो कहने का मतलब है दरवाजे सारे बंद हुए पड़े थे। 12th के बाद ही, जस्ट बाद में ही, मतलब कहने का है मैं बहुत कुछ एक साथ कर रहा था, 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी। और वहाँ पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊँगा। वहाँ पर स्टेज पर देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिज़ायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज़ टू सिट इन एन ऑडियंस ऑफ अराउंड से 300 पीपल, 500, 1000 पीपल, एंड यूज़ टू सी समबडी
टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑन स्टेज कि ये वो व्हाटएवर, और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहाँ से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहाँ पे, मतलब होता था ना एक अपलाइन होती थी, डाउनलाइन होती थी, व्हाटएवर, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। सो ये आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हज़ार रुपये भी आ जाए तो बहुत है, जहाँ ये सोच थी वहाँ पर ये आ गया था कि हाँ 1-1.5 लाख रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, कमा लूँगा, ऐसे कमा लूँगा, तो वो किया, लेकिन वहाँ पर फेल हो गया। वहाँ पर एक बंदे को मैंने अपने साथ में ज्वाइन कराया था, उसके बाद में घर वालों ने इधर उधर बड़ी धजियाँ उड़ाई थी कि भाई व्हाटएवर, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी कर दी थी मैंने ऑलरेडी, और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर करी थी, स्पेशली अपने रिलेटिव्स के साथ में, जो मतलब यहाँ से मैंने ये सीखा है, और अगर आप मेरे से जानना चाहो तो कभी भी अपने से जो बड़े हैं उनसे ज़्यादा बड़ी बातें मत करो, क्योंकि वो बहुत लेते हैं, उनको आप माँ बहन की गालियाँ दे करके चुप नहीं करा सकते ना, जो रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ पर चुप ही रहो। तो वो किया, उसके बाद में साथ साथ में KM के अंदर, दैट इज़ केरोड़ी मल कॉलेज जहाँ पर मैं था, वहाँ पर कुछ फैशन शोज़ करे एज अ मॉडल, ये KM में साथ साथ में चल रहा था मॉडलिंग का, उधर से मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही थी। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से जब मैं निकला, उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जब उस कंपनी से निकला एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो वहाँ पर एक लिक्विड सोप करके एक प्रोडक्ट होता था, तो मेरे माइंड में आया कि यार मैं खुद ही बना दूंगा लिक्विड सोप, क्या बड़ी बात है, मतलब वो 400-500 रुपये का था वो लिक्विड सोप की जो डब्बा था, तो मैंने खुद अपनी एक लिक्विड सोप मैनुफैक्चर करी इन द रेंज ऑफ अराउंड 10-15 रुपये की रेंज में, जिसकी कॉस्ट मुझे आती थी 5 रुपये के आसपास। तो दिल्ली में एक जगह है घंटा घर करके, तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर कुछ पाउडर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको अगर हम मिलाते हैं और उसमें पानी मिलाते हैं और घोलते हैं तो एक बड़ी अच्छी एक लिक्विड सोप तैयार हो जाती है। तो मुझे लगा कि इसमें इन दोनों प्रोडक्ट्स में फ़र्क ही क्या है, कि वो 400 रुपये का है और ये 10 रुपये का है, इसमें फ़र्क ही क्या है, तो मैंने अपने आसपास में जा करके बेचना शुरू कर दिया, तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे में फूलों के साथ में लिक्विड सोप बहुत काम आएगी आपकी, फर्श साफ करना इससे अपने घर का। तो कहने का मतलब दैट वाज अ मल्टीपर्पज लिक्विड सोप, ये मैंने इन्वेंट करी थी, ये जो लिक्विड सोप है उसके कुछ टेस्ट कराए देखने के लिए कि जो मैंने बनाई है लिक्विड सोप और वो जो 400 रुपये वाली उसमें क्या फ़र्क है, कुछ सर्टिफिकेशन आए ये वो। तो कहने का मतलब बड़ा डीपली इसके अंदर गया, बहुत कुछ किया, बहुत लोगों से मिला करा, लेकिन ये भी फेल हो गया, चला नहीं, इसमें भी मजाक खूब उड़ा फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, आ गया लिक्विड सोप वाला, आ गया लिक्विड सोप वाला आ गया। तो लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला, मैंने कोई भी बड़े पंगे नहीं लिए लाइफ में, अगर आप ध्यान से मेरी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे, बड़े पंगे इन द सेंस कि कोई भी ऐसा पंगा जहाँ पर के बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो या एकदम से सड़क पे आ जाओ, धीरे धीरे छोटे छोटे पंगे, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी वहाँ पे 4-5 हज़ार रुपये लगे थे, तो दैट वॉज नॉट अ बिग रिस्क। 2,500 रुपये में पैम्फलेट निकाले थे व्हाट टू डू आफ्टर 10+2, तो वो भी कोई ज़्यादा मेजर नहीं था। लिक्विड सोप बनाई घंटाघर में जा करके, इसमें भी कोई खास खर्चा नहीं, 500-700 रुपये लगे थे, प्लस बस में आना जाना 10-10 रुपये की टिकट, तो आप अगर लगाओ तो 1,000-1,500 रुपये उसमें लगे थे। तो कहने का मतलब छोटे छोटे पंगे, छोटे छोटे पंगे लेता चला गया। हाँ, पढ़ाई के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था NIS का, तो वहाँ पे एक मेजर इन्वेस्टमेंट हुई थी, जो मैंने घर वालों से पैसे लिए थे, दैट वाज अराउंड 50,000 जो वो कोर्स किया था, बट दैट वाज वर्थ इट, मतलब वहाँ से जो सीखा प्रैक्टिकली दैट इज अमेजिंग, जो मुझे आज पता है कि वो क्या है, उसकी जो वैल्यू है। एनीहाउ, फिर मैंने अपने एक दोस्त का पोर्टफोलियो देखा जो KM में मेरे साथ में था, वो भी एज अ मॉडल, उसने अपना कहीं से फोलियो बनवाया था, तो दैट वॉज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फोटोग्राफी। और फिर फोटोग्राफी में मैंने शुरू में बहुत फ्री के शूट्स करे, अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स के, इनके उनके, पकड़ पकड़ के, आ जा भैया, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, बच्चा बड़ा बूढ़ा किसी को नहीं छोड़ा, मतलब जो भी मिल जाता था कि भाई मैं तैयार हूँ कराने के लिए, तो आ जा अब तू बस, और छोड़ता नहीं था उसको, मतलब ये नहीं कि अगर मैं फ्री में कर रहा हूँ तो बस उसका किया फटाफट से छोड़ दिया, नहीं, मतलब अगर वो सुबह आया है मेरे पास में, जब तक वो रो नहीं पड़ेगा, मतलब जब तक शाम नहीं हो जाएगी, शाम भी क्या, रात नहीं हो जाएगी, शाम इज अ रॉन्ग वर्ड, रात नहीं हो जाएगी, क्योंकि शाम तक भी क्या होता था, हल्की हल्की लाइट आ रही होती थी, जैसे हमारे घर के पास में एक छोटा सा एक पार्क था, वहाँ पर एक फाउंटेन सा बना हुआ था जो चलता नहीं था, पूरा गंदा सा था, वो मेरी बड़ी अच्छी जगह थी क्योंकि वहाँ पर एक लाइट लगी हुई थी, तो वहाँ पर अंदर फाउंटेन में ले जा करके बंदे को बिठा देता था, लाइट के पीछे से उसकी हल्की सी शक्ल, भयानक फोटोग्राफ्स, मतलब वो दिख रही होती थी, लेकिन तब तक भी थोड़ी थोड़ी फोटो आ रही होती थी, तो छोड़ता नहीं था उसको मैं, मतलब सुबह बुलाता था और शाम तक लगा रहता था। कहने का मतलब था आई वॉज टू पैशनेट अबाउट वॉट आई वॉज डूइंग फोटोग्राफी, एंड आई वॉज मेकिंग क्लोज टू अराउंड 25-30,000 रुपीज इन अ मंथ।
मतलब नेट आप कह सकते हो 20-25 हज़ार रुपये यहाँ से फोटोग्राफी से कमा रहा था, इतना काम चल गया था। फिर उसके बाद में एक और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी आई, वो मेरा एक फ्रेंड आया, उसके साथ में मैं गया, कहीं ना कहीं कीड़ा तो था ही। वो थोड़ा और बड़े लेवल की थी, वो बंद हो गई थी, उसका नाम मैं ले सकता हूँ, जापान लाइफ नाम से थी। तो वो उस टाइम पे बहुत चलती थी, मतलब वहाँ पे ज्वाइनिंग जो थी दैट वाज अराउंड 70,000 रुपीज़ की ज्वाइनिंग, और वहाँ पे गेम भी बहुत बड़ा था, मतलब इट वाज लाइक बहुत बड़े लेवल पे थी वो जो कंपनी थी। तो फिर मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे, तो उसमें से कुछ पैसा तो जो बंदा मेरे को ले करके गया था उसने डाले, कुछ मैंने अपना कैमरा बेचा, थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसा लिया, ये लिया वो किया करके उस कंपनी के अंदर घुस गया। वहाँ पर 11 महीने के अंदर अंदर मैं एक ऐसे लेवल पे आ गया जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब DD एक लेवल होता है, वहाँ पे लेवल्स होते हैं। तो मेरा एक नेटवर्क बन गया था करीबन 125 लोगों का, एंड आई वॉज मेकिंग क्लोज टू अराउंड 1 से 1.25 लाख रुपये महीने का एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। लेकिन अंदर से आया कि नहीं अपनी खुद की कंपनी खोल मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। तो इस डिसीजन को सुन करके घर वाले थोड़ा घबरा भी गए थे, सबकी सजेशन यही थी कि इतनी आफत क्या है, 4-5 महीने बाद कर दिया रिज़ाइन, समझ रहे हो ना कि मतलब इतना काम किया है तो 11 महीने में रिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत है, मतलब यू कैन वेट फॉर अनदर 5-6 मंथ्स, तो 6-7 लाख रुपये वहाँ से आ जाएगा, तो कुछ होगा पैसा, फिर रिज़ाइन कर दियो। मैं कहा नहीं, अब मेरे अंदर से आ रहा है कि मुझे तो अब यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है, देर इज़ नथिंग मोर हियर, यहाँ पर जो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ और हो सकता है। तो वहाँ से रिज़ाइन किया और फिर अपनी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोली 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप में। सेल वाइज देखा जाए तो बहुत सक्सेसफुल हुई वो कंपनी, लेकिन जब वो कंपनी बंद हुई तो मेरे हाथ में 1 रुपये भी नहीं आया, जो लगाया था वो भी गया बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस इन दी पार्टनरशिप विच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हियर। उसके बाद में मैंने वहाँ से जब निकला तो मैंने अपनी एक बुक लिखी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, वो आपने देखा होगा सेमिनार के अंदर, उल्टी किताब, वो भी फ्लॉप हो गई, उसका भी कुछ नहीं हुआ। फिर वापस से मेरा एक बहुत पुराना एक फ्रेंड है, अपना कहीं से फोलियो बनवा करके लाया, तो उसका मैंने फोलियो देखा करा, तो वापस से याद आया कि अरे मैं तो फोटोग्राफर हूँ मैं बैठ करके दुखी क्यों हो रहा हूँ। फिर मैंने वापस से कैमरा खरीदा और वापस से कुछ लाइट्स वगैरह खरीदी और बेसिक ही अपने घर में ही अपने कमरे में, टॉप फ्लोर पे मेरा एक कमरा था, उसी में मैंने सारे बेड वेड हटा के और हल्का सा बैकग्राउंड लगाया, 2 लाइटें लगाई और कैमरा लिया और शुरू। तो वापस से आई स्टार्टेड मेकिंग 30-40,000 रुपीज़ अ मंथ। लेकिन फिर उसमें एक लेवल पे आकर के अटक गया, तो फिर उसके बाद में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ट्राई किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया फोटोग्राफी के अंदर। उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैं आई थिंक बता चुका हूँ लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में। तो मैं वहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ एंड आई बिकेम द बिजिएस्ट फोटोग्राफर, आई नॉट से द बेस्ट फोटोग्राफर क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स बैठे थे वहाँ पर, बट आई बिकेम द बिजिएस्ट फोटोग्राफर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज दैट आई वाज डूइंग, मतलब बहुत सक्सेसफुल हो गया वहाँ से। और आप कह सकते हो बहुत ही कम टाइम में बहुत तेज़ी से वहाँ पे मैं ग्रो करता चला गया। लेकिन फिर अंदर से आया कि नहीं, अब ये मज़ा नहीं आ रहा है ना, जब पीक पे था वो काम, मतलब उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। दिल्ली के आप कह सकते हो वी वर द टॉप एजेंसी इन दिल्ली, दैट वॉज अगेन अ बिग शॉक फॉर एवरीबडी, ये क्या बदतमीजी है ये काम जहाँ पर इतना कुछ आ रहा है। तो ऐसे ही मेरे डिसीजन होते हैं, मतलब ओवरनाइट मैंने कहा कि नहीं ये बंद हो रहा है, तो वो बंद कर दिया, स्टॉक शूट करने शुरू कर दिए, इमेजेस बाजार के ऊपर काम शुरू हो गया था इन द ईयर 2005। दिस वॉज अगेन अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि अगर ये नहीं करता तो आज भी मैं फोलियो शूट कर रहा होता, जहाँ पे पैसा तो बहुत आ रहा होता लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन जीरो होती लाइफ में। तो वहीं पे मैंने कॉल ले लिया कि आज के बाद हम मॉडल से 1 रुपये भी नहीं लेंगे, कोई पोर्टफोलियो नहीं होंगे हमारे यहाँ पे, कोई पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं, स्टॉक शूट करेंगे। वो आइडिया कैसे आया था, क्या था, वो मैं पहले अपने सेशन में बता चुका हूँ। फिर उसके ऊपर 2005 में काम शुरू हुआ, 2006 में लॉन्च हुई जो वेबसाइट है हमारी, एंड इट वॉज अ बिग डिज़ास्टर, वो बुरी तरह से फेल हो गई, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था कुछ महीनों तक, 6-7 महीने तक। क्यों? क्योंकि IT की मेरे को नॉलेज नहीं थी। फिर उसके बाद में मैंने खुद डीपली समझा सारा कि भाई ये क्या होता है, कैसे डेटाबेस डिज़ाइन होता है, कैसे क्वेरीज बनती हैं, क्या लैग्स हैं, क्या बग्स हैं, क्या है सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, ये वो सारा समझा, साइट को पूरी तरह से रिवैम्प किया, साइट ठीक हुई, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। वहाँ से फिर इमेजेस बाजार आगे बढ़ता ही चला गया एंड इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। वी आर द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड एज फार एज इंडियन कॉन्टेंट इज कंसर्न, इंडियन वीडियोज, इंडियन इमेजेस। तो ये है अजीबो गरीब सी कहानी मेरी। चलिए जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।